दस सालों का प्यार, मंदिर में शादी और शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेमी ने दूसरी शादी रचा ली। प्रेमिका को जब इसकी भनक लगी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो सीधे प्रेमी के घर पहुंच गई और वहां हंगामा मचाना शुरू कर दिया। प्रेमिका के हंगामे पर घर वाले तो चुप रहे, लेकिन प्रेमी ने उसे खूब जलील किया, गैंगरेप कराने की धमकी दी और मंदिर की शादी को नकार दिया। प्रेमिका इस बेवफाई से इतनी टूट गई कि उसने जहर खा लिया। प्रेमिका के घर वालों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने सर पीट लिया और बेटी को लेकर अस्पताल पहुंच गए। अब प्रेमिका ठीक है, लेकिन उसके अंदर बदले की आग धधक रही है। गया जिले का ये मामला है। ठीक होने के बाद प्रेमिका सिविल लाइन थाना शिकायत करने गई, लेकिन थानेदार ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़िता एसएसपी के पास पहुंच गई है। प्रेमिका ने साफ कर दिया है कि न्याय ना मिला तो जिंदगी खत्म कर लूंगी। मेरे साथ एक लड़का ने कुछ सालों से यौन शोषण किया और उस समय हम नाबालिग थे, ना समझ थे। शादी का झांसा देकर यौन संबंध किया मेरे साथ। फिर शादी के बारे में बोलते रह गया कि हम करेंगे करेंगे, सब कुछ मेरे साथ किया। कब से था फिर आप लोग का? 9-10 साल से है। 9-10 साल से, और 3-4 साल पहले लड़का सिंदूर भी हमको दिया, लेकिन उस समय हम फोटो नहीं खींचे, सिर्फ लड़का ही खींचा। हम अकेले थे उस समय और उस लड़का ने फ़ोटो खींच कर बोला कि अगर तुम किसी और से शादी करोगे तो ये फ़ोटो हम किसी और को लड़का को दिखा देंगे। फिर हाल ही तक वो लड़का हमसे बोलते रह गया कि हम तुमसे शादी करेंगे नवंबर दिसंबर तक, लेकिन वो शादी नहीं कर रहा था। लास्ट में वो बोल रहा कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम किसी और से कर लो। उसके परिवार वालों से भी हम बात किए, सबसे हम बात किए, सबको हम अपना बात बताएं, लेकिन किसी ने मेरा कुछ नहीं सुना और सब ने मेरा निगेटिव रिजल्ट दिया। कहाँ का लड़का है? बारासट्टी का लड़का है, जितिन यादव है, कावदा का रहने वाला है। कैसे अफेयर हुआ था आप लोग का? किसी रिलेटिव ने मेरे घर पर लाया था उसे, मामा की साला। अच्छा। मार्च में हम उस लड़का से इंसाफ भी मांगने गए, जब हमको उसके फैमिली से कोई रिस्पांस नहीं आया, निगेटिव रिस्पांस आया, तो हम डायरेक्ट उसके घर पर गए, उससे बात किए, बोले कि आप हमको इंसाफ दीजिए, आप मेरे साथ गलत किए हैं, मेरा इज्जत लिए, मेरा इज्जत निभाइए। उस लड़का ने मुझे बहुत मारा पीटा। मेरे बैग में बहुत 2-3 सालों से मेरे किताब के लिए चूहा का दवाई था, वो हमको खुद नहीं पता था कि उस बैग में चूहा का दवाई है, लेकिन उस लड़का ने बहुत मारा पीटा, मेरा मोबाइल छीन लिया, बैग चेक किया, बैग चेक करने के दौरान उसको दवाई मिला भी लेकिन वो फेंका नहीं, और हमको बोला कि तुम मर जाओ, टॉर्चर किया, तुम मर जाओ, हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दवाई कौन रखा था? दवाई पहले से, बहुत पहले से रखा हुआ था। कौन रखा था? हम ही रखा। अच्छा। 2-3 साल पहले। अच्छा। अपनी किताब के लिए, लेकिन हम क्या क्या कुछ गलत भी किया आपके साथ? वो बहुत मारा पीटा उस समय हमको, और बोला कि तुम मर जाओ जहर खा के, लेकिन हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लड़का ने मुझे इतना मारा कि मेरे मुंह से ब्लड भी आया, माथा पे भी बहुत चोट लगा। और गलत भी किया आपके साथ? गलत काम भी किया है? गलत काम किया था, 9-10 साल से गलत काम किया, 3-4 साल पहले भी किया। फिर इसके बाद उस लड़का ने हमको मिलने के लिए भी बुलाया, लेकिन हम मिलने नहीं गए। हम बोले कि समाज के सामने शादी करोगे तभी कुछ होगा। इसकी सूचना आपने पुलिस को दिया? नहीं, इसकी सूचना हम नहीं दिया। पुलिस के पास नहीं गए थे? नहीं, पुलिस के पास नहीं गए। उस लड़का ने आश्वासन आकर दिया, जब हम जहर खाएं तो हम मेडिकल 3-4 दिन भर्ती रहे, बहुत सीरियस कंडीशन में थे। तो मेरे माता पिता केस करने जा ही रहे थे कि वो लड़का बाहर में आकर मिलकर बोला कि हम शादी करेंगे, केस मत करो, ये सब मत करो, हम तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे, आश्वासन दिया। लेकिन 15-20 दिन बाद वो किसी और लड़के से शादी